सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। आइए घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। आज क्या घटनाएं घटी हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखो, उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप तेजी से अपने सभी साथियों को शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। आइए पहले घटनाक्रम पर देखते हैं क्या हुआ है देश में। सारे विद्यार्थियों, आज की पहली इंपॉर्टेंट खबर है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में पंचायत स्तर पर 2 लाख सहकारी समितियां खोली जाएंगी। क्या कहा गया है? पंचायत स्तर पर 2 लाख सहकारी समितियां खोली जाएंगी। उन्होंने बेंगलुरु में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया। यह सहकारी क्षेत्र की 3 गुना से अधिक बढ़ने में मदद करेगा। अमित शाह ने कहा कि इन सहकारी समितियों की दूध वितरण, भंडारण, मछली पालन, पानी और गैस आपूर्ति जैसी बहुआयामी भूमिका होगी। तो इस समितियों का उद्देश्य क्या होगा? दूध वितरण के क्षेत्र में होगा, स्टोरेज यानी भंडारण होगा, मछली पालन होगा, पानी और गैस की आपूर्ति जैसी चीजें इसमें शामिल होंगी। बेंगलुरु में इन्होंने संबोधित किया है। क्या कहा है? 2 लाख समितियां किस स्तर पर होंगी? ये पंचायत स्तर पर होंगी, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों के बारे में। ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल करीब 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल को SU-30 MKSI लड़ाकू विमान से दागा जाएगा। इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष्य पर प्रहार किया। यह मिसाइल के एयर लॉन्च के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण था। यह क्षमता वायुसेना के रणनीतिक रूप से मजबूत करेगी और भविष्य में युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश पर हमला करने में अधिक प्रभावी होगी। तो ये वायुसेना का ब्रह्मोस एयर लॉन्च है, ध्यान रखिएगा। 400 किलोमीटर रेंज तक जाएगा, तो ये 400 किलोमीटर रेंज की बात हो रही है। और कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो 400 किलोमीटर, ये एयर की खासतौर से वायुसेना के लिए है, वायुसेना ने किया है ऐसा कार्य, इसलिए इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। सारे विद्यार्थियों, अगली इंपॉर्टेंट खबर क्या है इसको नजर करिएगा। प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार RTI अधिनियम के तहत उत्तरदायित्व के संबंध में तमिलनाडु के राज्य सूचना आयोग का सबसे निम्न प्रदर्शन रहा है। RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। इस अधिनियम के प्रयोग के बारे में कह रहे हैं कि तमिलनाडु जो है सबसे खराब स्थिति में है, सबसे निम्न प्रदर्शन इसी का रहा है। तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग मांगी गई सूचना केवल 14% जानकारी प्रदान करा पाया, जबकि महाराष्ट्र 23% जानकारी के साथ में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक और बिहार। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा कि कौन है सबसे कम, किसने किया है? तो तमिलनाडु ने है। फिर कौन है? महाराष्ट्र है। फिर कौन इसके बाद आता है? तो इसके बाद छत्तीसगढ़ है। इसके बाद कौन आता है? कर्नाटक है। और फिर कौन है? बिहार है। ये किस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं? ये हम लोग बात कर रहे हैं RTI के संदर्भ में, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए। ये क्वेश्चन UPSI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि UPSI के सिलेबस में ये बात साफ साफ करेगी। ऐसे तो सभी जो भी वन डे एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज है, सभी जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। सारे विद्यार्थियों, पर डे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर एक दिन की पढ़ाई से एक दो क्वेश्चन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने उड़ीसा में 300 करोड़ रुपए की लागत वाली अंगुल बलराम रेल लिंक का उद्घाटन किया है। 300 करोड़ की लागत वाली अंगुल बलराम रेल लिंक का उद्घाटन किया है। रेल लिंक के शुरू होने से केरल के अंगुल जिले के तलचर कोलफील्ड से कोयला आसानी से निकाला जा सकेगा। यह परियोजना महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को कोयले के अपने दैनिक परिसर में लगभग 40,000 टन की वृद्धि करने में सक्षम बनाएगी। तो ये अंगुल बलराम लिंक है, जिसका उद्देश्य क्या है? कोयला है।
कोयला के प्रेषण में, कोयला को ले जाने ले आने के काम में मदद करेगी। तो ये 300 करोड़ लागत वाली योजना है, इसका उद्घाटन किया गया है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। उनकी कार रूड़ी में डिवाइडर से टकराई और इस हादसे में पंत के सिर और पैर में चोट लगी, पंत के सिर और पैर में चोट लगी। तो अपने भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत, दुर्घटना घटी है। टाटा मोटर्स जनवरी 2023 से फोर्ड इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट करने के लिए तैयार है। टाटा मोटर्स फोर्ड इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट करने के लिए तैयार है। सारंद स्थित इस प्लांट में टाटा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बना सकती है। कंपनी का कहना है कि फोर्ड इंडिया के प्लांट का 10 जनवरी से पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया जाएगा। 2022 में अगस्त में कंपनी ने घोषणा की थी कि उसकी सहयोगी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड गुजरात में फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सारंद प्लांट का अधिग्रहण इतने करोड़ रुपये में करेगी। तो ये आप बस इतना याद रख लीजिए कि सारंद में जो है, सारंद और गुजरात में एक जगह है जहां पर टाटा मोटर्स फिर से फोर्थ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के काम के स्टार्ट करने जा रही है, याद रखिएगा। ये लगभग जो प्रोजेक्ट है आपका वो 725.7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो सारंद में लगने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोग्राम जो है किसने शुरू करा है, ये प्रोग्राम टाटा मोटर्स ने किया है, इसके दिमाग पर रखने की जरूरत है। फोर्ड ने अपने कार्य को यहाँ से खत्म कर दिया था, इसलिए सारी चीजें होंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया गया है? प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और नवाचारों को आमंत्रित करना है। तो ये एक लॉन्च जो हुआ है उसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और नवाचारों को आमंत्रित करना है। इस उद्देश्य से ऐसा कार्य किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आइए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अरेबियन क्लब अल नासर के लिए खेलेंगे। तो बहुत बड़ा नाम है आप जानते हैं, अब अरेबियन क्लब अल नासर के लिए खेलेंगे। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नासर के साथ 200 मिलियन यूरो से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये सभी खिलाड़ी जो है अनुबंध करते हैं, एक एग्रीमेंट के तहत कार्य करते हैं। तो 200 मिलियन यूरो बहुत बड़ी रकम है के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वह 2025 तक सऊदी अरब के क्लब अल नासर के लिए खेलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तमिलनाडु के राजकीय पशु के संरक्षण के लिए 25.14 करोड़ की लागत से भारत की पहली नीलगिरी परियोजना शुरू की जा रही है। तो नीलगिरी तहर परियोजना का नाम याद रखिएगा, नीलगिरी तहर परियोजना। सरकार नीलगिरी तहर के संरक्षण आवास का विस्तार करने और जनता के बीच जागरूकता फैलाने की परियोजना को लागू करेगी। तो तमिलनाडु के राजकीय पशु के संरक्षण के लिए 25.14 करोड़ की लागत से भारत में पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की जा रही, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित किया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए सेवाओं में सुधार के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित करना है।
इसका उद्देश्य 2030 तक एक उच्च रेजोल्यूशन स्थलाकृति सर्वेक्षण और मानचित्रण और एक उच्च सटीकता वाला डिजिटल उन्नयन मॉडल विकसित करना है। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति भू स्थानिक इकोसिस्टम के समग्र विकास के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। 2025 तक सरकार कंपनियों के लिए बेहतर स्थान डेटा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करेगी। तो ये योजना है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा में है। और ये कौन सी बात कही गई है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या किया है, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित किया है। इनको ध्यान रखेंगे, डेटा के बेहतर उपयोग के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, लेकिन अभी और डिटेल आने दीजिए, तब चर्चा हम लोग करेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, हाँ ये हमने आपको बता दिया है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, उनका आंसर आपको बताना है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, नेशनल बर्ड डे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 2 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जनवरी। फटाफट जवाब देने का प्रयास करिए, अच्छे प्रश्न है, इनका संकलन करिए और इकट्ठा करके दिमाग में रखिए ताकि परीक्षाओं में मदद मिल सके। तो इसका आंसर है 5 जनवरी, याद रखिएगा। 5 जैन, कौन सी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल वर्ल्ड डे। अच्छा प्रश्न है, प्रश्नों को संकलित करते रहिएगा और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप कलेक्ट कर सकते हो उसे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। प्रकृति प्रेमी, पर्यावरणविद, पक्षी रक्षक और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लोगों में एवियन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पक्षी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड फ्री यूएस और एवियन वेलफेयर गठबंधन ने साल 2022 में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाने की शुरुआत की। सन 2002 से ये मनाने की बात आ रही है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और कहाँ से आ रही है, ये सभी पर्यावरणविद हैं, पक्षी रक्षक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग हैं जिन्होंने इस डेट में नेशनल वर्ल्ड डे के रूप में मनाने की घोषणा की है और 2002 से इस कार्यक्रम भी किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा दिसंबर 2023 में कहां शुरू होगी, अंडरवाटर मेट्रो सेवा। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लद्दाख। फटाफट जवाब दीजिए सारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। ये कोलकाता में शुरू होगी। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा दिसंबर 2023 में कोलकाता में शुरू होगी। कोलकाता मेट्रो ने अपना संचालन 1984 में शुरू किया था और अब यह पूरे शहर और इसके उपनगरों को कवर करने के लिए बढ़ रहा है। हुगली नदी के माध्यम से चल रही अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ेगी। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, आंसर है इसका संचालन 1984 से शुरू किया गया था, अब पूरे शहर और इसके उपनगरों को कवर करने जा रही है। दिसंबर 2023 में कोलकाता में शुरू होगी पहली अंडर वाटर मेट्रो। जो मेट्रो ट्रेन 1984 में शुरू की गई, अब वही चीज उसी का दूसरा वर्जन है अंडर वाटर मेट्रो, जो 2023 से शुरू हो रहा है। कब से, दिसंबर से, और ये देश का पहला होगा, इसको याद रखिएगा। पहली मेट्रो भी वहां चली थी और पहली अंडर वाटर भी बात वहीं पर आ रही है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 6 जनवरी, ऑप्शन डी 7 जनवरी। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा की स्थापना की, फटाफट जवाब दीजिए सारे विद्यार्थियों, 5 जनवरी को मनाया जाता है।
5 जनवरी। गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रतिवर्ष 5 जनवरी को मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। श्री गुरु तेग बहादुर के यहाँ हुआ था, जो सिख समुदाय के 9वें गुरु थे। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था और बचपन में वे गोविंद राय के नाम से जाने जाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बचपन में गोविंद राय कहते थे, इनकी माँ का नाम गुजरी देवी था। कहाँ पटना में जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, तारीख को याद रखिएगा। तो ये अच्छे प्रश्न आपके सामने आएंगे, ध्यान रखने की जरूरत है। हाल ही में ओडिशा के बरगढ़ में 2 साल के अंतराल के बाद सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा फेस्टिवल कब से कब तक किया जा रहा है? धनु यात्रा फेस्टिवल, ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल, इसका नाम है धनु यात्रा फेस्टिवल, कब से कब हो रहा है? 22 से 28 दिसंबर, 30 से 5 जनवरी, 27 दिसंबर से 6 जनवरी और 1 से 8 जनवरी। अरे विद्यार्थी, उसका आंसर है 27 से 6 जनवरी के बीच ये मनाया जा रहा है ना? तो नाम याद रखिएगा, धनु यात्रा फेस्टिवल। उड़ीसा के बरगढ़ में 2 साल के अंतराल के बाद सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा फेस्टिवल शुरू हुआ। जीवंत धनु यात्रा फेस्ट उड़ीसा की संस्कृति से जुड़ी है और यह महोत्सव 27 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। उत्सव के दौरान देश भर के 130 सांस्कृतिक मंडलों के कई कलाकार प्रदर्शन में भाग लेने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, धनु यात्रा फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार ने 5 साल के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 7%, 7.5%, 8%, 9.2%। सारे विद्यार्थी, उसका सही आंसर है 7%। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7% से बढ़ाकर 7.2 किया गया है और यह पहले 123 महीने के बजाय अब 120 महीनों में परिवय होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 7%। हाल ही में भारत की कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कोनेरू हम्पी जी आप जानते हैं, उनका नाम सुन रखा है आपने। ऑप्शन ए सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन सी गोल्ड मेडल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अरे विद्यार्थी, इसका सही आंसर है ए सिल्वर मेडल, यानी रजत पदक। कोनेरू हम्पी ने पिडे वर्ल्ड ब्लिट शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में रजत पदक जीता। हम्पी ने चीन की तान झोंगी, ये चीन की तान झोंगी को हराया, जिन्होंने विश्व रैपिड खिताब जीता था। उन्होंने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट चैंपियनशिप के में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। तो ध्यान रखिएगा, कोनेरू हम्पी जी। संघन टीवी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए सेंट्रल टीवी डिवीजन के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
ऑप्शन ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी ऑयल एंड नेचुरल गैस बॉडीज, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी नेचुरल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट बताइए। अरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। अरे विद्यार्थियों, प्रतिदिन बहुत सारे प्रश्न आपके पास आते हैं, उनमें से एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सभी चर्चाओं को लेकर आता हूँ ताकि सारी बातें कवर हो सके। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सेंट्रल टीवी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता ज्ञापन सघन टीवी उन्मूलन परियोजना से संबंधित है। 2025 तक भारत में टीवी को समाप्त करने के विजन को बल देने के लिए, यानी 2025 का हमारा एक अपना लक्ष्य है कि हम टीवी को समाप्त करेंगे। इस उद्देश्य से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कौन सा मंत्रालय विभाग संस्थान चालू करता है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अरे विद्यार्थियों, इसका आंसर है आपका बी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। पशुपालन और डेयरी विभाग जो है वो कार्य करता है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में जानकारी दी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी गायों के संरक्षण और उनकी नस्ल के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करना है। स्वदेशी गाय यानी देसी गाय जो हमारी हैं उनके संरक्षण के लिए और उनके विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करना है, ये इसका अवसर है। तो ये अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर या नागालैंड में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है? कौन सा अधिनियम है ये पूछा जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर या नागालैंड के संसदीय और विधानसभा क्षेत्र इन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन संसदीय निर्वाचन के लिए परिसीमन की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन ए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ऑप्शन सी द डेलीमेशन डेलिमिटेशन और एक्ट 2002 कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961। पर विद्यार्थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, इसके माध्यम से सारी चीजें होती है। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगी और असम के निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रतिनिधित्व 1976 में 1978 की जनगणना के आधार पर किया गया था। तो कानून मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा उसके आधार पर चीजें हो रही थी। अरे विद्यार्थियों, आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, महाजन आयोग किससे संबंधित है? महाजन कमीशन रिलेटेड, ऑप्शन ए असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑप्शन बी असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑप्शन डी महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट। किस डिस्प्यूट के लिए बना है आयोग? अरे विद्यार्थी, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूट, इसके लिए बना है महाजन आयोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है।
महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच सीमा विवाद को लगातार गहराता जा रहा था। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने विवाद को सुलझाने हेतु कानूनी लड़ाई का समर्थन करने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी, कारवार और निपानी को लेकर सीमा विवाद की काफी प्रभाव चल रहा है। इस संदर्भ में महाजन आयोग बनाया गया है। सारे विद्यार्थियों, आज के घटनाक्रम में यही महत्वपूर्ण बातें थी। एसएससी जीडी की प्रिपरेशन का आज आखिरी दिन था और आज सारी बातें जो विद्यार्थी जुड़े थे उन्हें बताई गई, समझाई गई। निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेंगे और सफलता के जो परिणाम आएंगे उसमें हमारे विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या होगी और बहुत सकारात्मक परिणाम के साथ हम लोग एक उद्देश्य में सफल होने जा रहे हैं। आज आखिरी दिन था। आज जीएस के 2500 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा हुई। लगभग 10,000 क्वेश्चंस आप तक पहुंचे हैं। उन्हें आप अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आप तैयार कर लेंगे सारी चीज़ों को, एक बार देख लेंगे। हिंदी में भी सारी चीज़ें हुई हैं, मैथ्स में और रीजनिंग में भी सब कुछ कंप्लीट हुआ है। अपना ख्याल रखना है, इसका तैयारी करना है, अनवरत प्रयास करना है। 10 तारीख को ऑफलाइन बैचेस भी प्रारंभ हो रहे हैं, नए बैचेज आ रहे हैं और वर्ष के शुरुआत के पहले बैच हैं जो यूपीएसआई के लिए, एसएससी के लिए और यूपीपी के लिए आ रहे हैं। तो आगामी वर्ष की जो वैकेंसीज हैं, जो आने वाली हैं, उनकी तैयारी के लिए हम लोग नए बैच को लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं वो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। 3 दिवसीय डेमो क्लासेज भी अवेलेबल हैं, उसको आकर अटेंड कर सकते हैं। समझ में आता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के घटनाक्रम में यही बातें थी। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सावधानी रखनी है, पढ़ाई करते रहना है ताकि लक्ष्य भी मिले और हम बीमार भी ना हों। अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए, ईश्वर की कृपा बनी रहे। जय हिंद।